शहर के MG पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह जिलाधिकारी हाथरस ने पॉलिटेक्निक कॉलेज से संचालित कोर्सों में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जी हां, आपको बता दें, हाथरस के आगरा रोड स्थित मुरलीधर गजानन पॉलिटेक्निक में सोमवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी प्रवीण कुमार नचिकार के साथ हाथरस नगरपालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पहले तो जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकर और हाथरस नगरपालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने छात्रों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्टों का गहनता से निरीक्षण करते हुए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग, विद्युत अभियांत्रिकी, मैकेनिकल विभागों के छात्रों के द्वारा बनाए गए फ्लाई ओवर, केबल स्टेट ब्रिज, स्वचालित स्ट्रीट लाइट नियंत्रण, ग्रीन हाउस तकनीक तथा अन्य प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया। साथ ही मुरलीधर गजानन पॉलिटेक्निक में संचालित कोर्सों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 25 से अधिक मेधावी छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज ही हाथरस को पॉलिटेक्निक कॉलेज में आके आए हैं और काफी छात्रों को सम्मानित किया गया। अभी कैसे क्या कर देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ जो विभिन्न ब्रांचें चलती हैं, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, इन सभी में जो छात्र टॉपर्स है उन सभी को यहाँ पे सम्मानित किया गया और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया और यहाँ पे 286 जो छात्र उनका प्लेसमेंट भी यहाँ पर किया गया।